A very beautiful morning, my dear students. Today our topic is resources, lesson first of geography. See this chart. Resources, यहाँ पे देखिए बच्चों, resources given हैं, natural होते हैं, cultural और man-made होते हैं. तो यहाँ पे दो प्रकार के resources, एक तो natural जो प्राकृतिक हैं, जो हमें प्रकृति ने दिए हैं, दूसरे जो man-made मनुष्य ने बनाए हैं. जो नेचुरल होते हैं उनमें से जैसे दो कैटेगरी बांट रखी हैं, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल में होते हैं दो प्रकार से, बायोटिक एंड अबायोटिक, जिसके बारे में हम आगे रीड करेंगे. नॉन रिन्यूएबल होते हैं अबायोटिक, उसमें सिर्फ एक ही कैटेगरी होती है. सो देखिए, अब बायोटिक में कौन से आते हैं, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, मैन, और दूसरा अबायोटिक में फ्लो रिसोर्स जैसे सन, विंड और वाटर. ऐसे ही अबायोटिक में आते हैं रिसाइक्लेबल मेटल्स और एक्सीटेबल फॉसिल फ्यूल्स, कॉल या पेट्रोलियम हो गया जैसे. इसी प्रकार से कल्चर या मैन मेड में इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन जैसे बिल्डिंग्स हो गई, रोड्स हो गए, ब्रिजेज हो गए, और दूसरा मैन्युफैक्चर्ड गुड्स. सो बच्चों देखिए, आज हम इनके बारे में रीड करेंगे जो भी ये चार्ट दिखाया गया था. क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इंटू नेचुरल, मैन मेड एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. रिसोर्सेज जो होते हैं वो जनरली क्लासिफाई किए जाते हैं नेचुरल, मैन मेड और ह्यूमन रिसोर्सेज में. जिस मैन मेड यानी ह्यूमन, नेचुरल, मैन मेड और ह्यूमन रिसोर्सेज में जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज देखिएगा बच्चों, नेचुरल रिसोर्सेज आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ नेचर. नेचुरल रिसोर्सेज जो होता है वो कंट्रीब्यूशन होता है नेचर का, कंट्रीब्यूशन ऑफ नेचर. वॉट एवर एग्जिस्ट इन नेचर एंड इज यूजेबल बाय मैन इज टर्म्ड एज ए नेचुरल रिसोर्स. कहता है नेचुरल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन होता है नेचर का, प्रकृति का कंट्रीब्यूशन होते हैं नेचुरल रिसोर्स सारे के सारे. वट एवर एग्जिस्ट इन नेचर, जो भी नेचर के अंदर एग्जिस्ट है, एंड इज़ यूजेबल बाय मैन, और वो व्यक्ति के लिए क्या है, यूजेबल है, तो वही क्या कहलाएगा, नेचुरल रिसोर्स कहलाएगा. मतलब जो भी नेचर के अंदर एग्जिस्ट है और जो मैन के द्वारा बनाया गया है, वही क्या है, हमारा नेचुरल रिसोर्स है. द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द एनिमल्स एंड प्लांट्स अराउंड अस विच वी यूज फॉर आवर नीड्स एंड द मेटल्स वी यूज टू मैन्युफैक्चर थिंग्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज. जिस एयर से हम सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं, जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं हमारे चारों ओर, विच वी यूज फॉर आवर नीड्स, जिसको हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं, एंड द मेटल्स, वो मेटल्स वी यूज टू मैन्युफैक्चर थिंग्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज. वो सारे के सारे मेटल्स जिनका हम कोई भी मैन थिंग को, मतलब किसी वस्तु को बनाने में प्रयोग करते हैं, वो सारे के सारे हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स. टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स में क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इन टू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, ओरिजिन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब ये कहते हैं कि नेचुरल रिसोर्स जो होते हैं, टाइप्स क्या क्या है नेचुरल रिसोर्स के. नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है, जो कि उनके डेवलपमेंट के लेवल पे है, उनके यूज़ के लेवल पे है, उनके ओरिजिन और स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लेवल पे उन्हें बांटा गया है. जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे है, ऑन द बेसिक ऑफ देयर ओरिजिन, ओरिजिन के बेस पे है, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज. फर्स्ट इज बायोटिक रिसोर्सेज एंड सेकेंड इज अबायोटिक रिसोर्सेज. बच्चों जो ये नेचुरल रिसोर्सेज था, एक नेचुरल रिसोर्सेज था, एक मैन मेड रिसोर्सेज थे. तो नेचुरल को दो भागों में बांटा था, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल के अंदर जो बायोटिक और एबायोटिक हैं, वो किसके बेस पे हैं, ओरिजिन के बेस पे बांटा गया उन्हें, ओरिजिन के बेस पे. सो देखिए, बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज आर सब्सटेंसेज ऑब्टेंड फ्रॉम लिविंग बींग्स. बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जिन्हें जो है कहाँ से प्राप्त किया जाता है, लिविंग बींग्स से, जीवित वस्तु, जीवित चीज़ों से जिसे प्राप्त किया जाता है. जैसे दे इंक्लूड वेजिटेशन, जैसे कि वेजिटेशन हो गई, वनस्पति, बर्ड्स हो गए, डोमेस्टिक एनिमल्स हो गए, या वाइल्ड लाइफ हो गई, इनसे हमें प्राप्त करते हैं, इन सबको, बायोटिक रिसोर्सेज को इनसे प्राप्त किया जाता है. एवरीथिंग विद इन द बायोस्फेयर विच हैज सम यूटिलिटी फॉर मैन इज ए बायोटिक रिसोर्सेज. वो सारी की सारी चीज़ें जो कि हमारे जो जैविक पर्यावरण है हमारा आसपास का, उसमें पाई जाती हैं, जिनके अंदर कुछ यूटिलिटी होती है व्यक्ति के लिए, मतलब कुछ उपयोगिता होती है व्यक्तियों के लिए, वो सारे के सारे बायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं. आप समझ गए ना, बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो लिविंग बींग्स से मिलते हैं हमें, लिविंग बींग्स से. वेजिटेशन कैन गिव राइज टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. जो वेजिटेशन होती है वो क्या करती है, राइज करती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, लाइक फॉरेस्ट्री को, या फिर लम्बरिंग को, या फिर पेस्ट्रॉयल को, फार्मिंग को, एंड एग्रीकल्चर को. मतलब वेजिटेशन जो है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं, पैसा कमाने के लिए हमारी सहायता करती हैं,
फॉरेस्ट्री में भी, जैसे लकड़ी काटने के काम में, या फिर लम्बरिंग देहाती खेती में, पेस्टोरल फार्मिंग मतलब देहाती खेती एंड एग्रीकल्चर वगैरह में हमारी सहायता करती हैं। एनिमल्स एंड फिशेज कैन बी यूज फॉर लीव स्टॉक रेजिंग, एनिमल्स और फिशेज का यूज़ किया जाता है लीव स्टॉक रेजिंग के लिए, बढ़ाने के लिए, पशुपालन करने के लिए, डायरी फार्मिंग या फिर मत्स्य पालन एंड फिशरीज, मत्स्य पालन करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है एनिमल्स का। मैन हिमसेल्फ इज ए बायोटिक रिसोर्स, जो व्यक्ति होता है ना खुद भी वो एक जैविक संसाधन है, बायोटिक रिसोर्स है। ही इज़ ऑफन टर्म्ड एज ह्यूमन रिसोर्स, उनको जो है ह्यूमन रिसोर्स के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स बिकॉज द यूज एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल अदर रिसोर्स इज डिटरमाइंड बाई ह्यूमन्स। कहता है कि ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारा, जो हमारा जो ह्यूमन है, खुद मानव है, क्योंकि वो ही दूसरे रिसोर्स को जो है डेवलप करने में वो करता है, उसी के ऊपर बेस्ड होते हैं सारी चीज़ें। द ह्यूमन्स विद देयर इंटेलिजेंस ट्रांसफॉर्म नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस इनटू यूजेबल रिसोर्सेज, मतलब ह्यूमन क्या करता है, अपनी बुद्धिमता से ट्रांसफॉर्म कर देता है नेचुरल चीज़ों को, जो नेचुरली पैदा होती हैं उन चीज़ों को यूजेबल रिसोर्सेज बना देता है। इसलिए ह्यूमन सबसे बड़ा रिसोर्स है हमारा। अबायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं, अबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग सब्सटेंसेज, नॉन लिविंग सब्सटेंसेज जितने भी होते हैं वो सारे अबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं। दे इंक्लूड एयर, वाटर, लैंड और सॉयल, रॉक्स एंड मिनरल्स इन द अर्थ क्रस्ट, जैसे कि इसमें एयर हो गई, वाटर हो गया, लैंड हो गई, सॉयल हो गई, या फिर रॉक्स हो गई, मिनरल्स हो गए, जो कि नॉन लिविंग सब्सटेंसेज हैं, जो अर्थ के क्रस्ट से मिलते हैं हमें। दे कैन बी यूज डायरेक्टली, इनको डायरेक्टली यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल द लैंड कैन बी यूज एज ए साइट फॉर ए हाउस, लैंड को हाउस बनाने के लिए, रॉक्स को भी चट्टानों का भी यूज़ हम हाउस बनाने के लिए करते हैं। दे कैन बी यूज इनडायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं हम इनका, जैसे कि मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ, मिनरल्स को निकाला जाता है धरती में से एंड बी यूज इन इंडस्ट्रीज टू मेक वेरियस प्रोडक्ट्स, और इंडस्ट्रीज में इनका यूज़ किया जाता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे एबायोटिक रिसोर्सेज रॉक्स कंटेनिंग मिनरल्स दिखा रखे हैं, और यहाँ पे जो है बायोटिक रिसोर्सेज फॉरेस्ट्स दिखा रखे हैं। सो नेक्स्ट जो है हमारा ऑन द बेसिक ऑफ देयर एक्सेसिबिलिटी, वो हम कल पढ़ेंगे, आज हमने इतना ही रीड किया है। आप भी अच्छे से रीड कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।